Hello friends and hello students, myself Dr. Rajni Gupta from Sandhya Ramanadhar Foundation. Sandhya Ramanadhar Foundation ke jitne bhi students hain, they all are welcome. Aaj Sunday 11 o'clock hamari class start ho rahi hai, jisme hum excretory system ke bare mein aaj padhenge. Excretory system ek aisa system hai jo hamari body se waste products ko sharir se bahar nikalta hai. इस सिस्टम में हम एनाटॉमी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फंक्शंस ऑफ किडनी एंड इन्वेस्टिगेशंस, हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और अल्ट्रासाउंड में हम कैसे रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हम करवा सकते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को चेक करने के लिए. फर्स्ट टॉपिक इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप इस स्लाइड्स में देख रहे होंगे, द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. द मेन लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ अपर एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक. यूरिनरी ट्रैक वी कैन डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, वन इज अपर पार्ट एंड सेकेंड इज द लोअर पार्ट. देन वी हैव टू सी द रेगुलेशन ऑफ द किडनी. वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज? इट हेल्प टू रेगुलेट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, एंड इट ऑल्सो मेंटेन द ब्लड प्रेशर. इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक. इन दिस यूरिनरी ट्रैक देर इज़ अ पेयर ऑफ किडनी. यूरिनरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. इन दिस पिक्चर इट्स वेरी क्लियर, देयर इज ए टू किडनी, टू यूरेटर, वन ब्लैडर एंड वन यूरिथ्रा. एंड नेक्स्ट वी कैन मूव टू अपर एंड द लोअर यूरिनरी ट्रैक. द यूरिनरी सिस्टम द स्ट्रक्चर ऑफ विच प्रिसाइजली मेंटेन द इंटरनल केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी टू एक्सक्रीट, रेगुलेट एंड सिक्रीटरी फंक्शंस. फर्स्ट ऑर्गन जो हम पढ़ेंगे दैट इज किडनी. किडनी आर पेयर इन शेप, दो किडनीज होती है, एक राइट एंड लेफ्ट. अगर हम फिनोमिना से देखें, जिस आप पिक्चर को देख सकते हैं, बैक साइड से पिक्चर लिया गया है, बिकॉज जो हमारी किडनी होती है वो बैक की तरफ ज़्यादा होती है, इससे इंटरनली जो आगे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इंटेस्टाइंस रहती हैं, तो किडनीज़ को हम बैक की तरफ से देख रहे हैं ये इस पिक्चर में. देर इज़ अ टू किडनी आपको विजिबल हो रही है, ये 12 वर्टिब्रास के, थोरेसिक वर्टिब्रास के पास हम देख पा रहे हैं इसको. किडनीज आर पेयर एंड ब्राउनी शेप स्ट्रक्चर. इट इज़ अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमन फ्रॉम द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा टू 3rd लंबर वर्टिब्रास के बीच में. एक एडल्ट में ये किडनीज जो है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबर वर्टिब्रा तक दिखती हैं. द वेट ऑफ द किडनी इज 122 ग्राम्स टू 170 ग्राम्स, वेरिएट रहता है, 120 से 170 ग्राम्स के बीच में वेट हो सकता है किडनी का. अगर इसकी हाइट और लेंथ देखते हैं, इट इज़ 12 इंचज़ लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर, इट इज़ 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. किडनीज, ये किडनी जो है हमारी, ये प्रोटेक्ट रहती है, इसके बाहर रिब्स रहेंगी. हमारी किडनीज आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, मसल्स एंड फेशिया एंड पेरिटोनियल फैट एंड ऑल्सो द रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल के अंदर किडनी जो है ये प्रोटेक्ट रहती है, किडनी के सराउंडेड रहता है एक रीनल कैप्सूल. अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. पहले मैं आपको पिक्चर से क्लियर करूं कि मेन स्ट्रक्चर क्या है किडनी का. आप इस पिक्चर में क्लियर देख पा रहे हैं, ईच किडनी इज इनक्लोज्ड बाय द रीनल कैप्सूल. आउटर लेयर है रीनल कैप्सूल की, विच इज़ सराउंडेड बाय द एडिपोज टिश्यू. आप किडनी के इंटरनली पार्ट में, अगर फर्स्ट पिक्चर स्मॉल में देखेंगे, हमें हम यहाँ पे देख रहे हैं एक रेड कलर की आर्टरी और एक ब्लू कलर की वेन किडनी के अंदर एंटर कर रही है, और इसमें से एक यूरेटर निकल रहा है, ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है.
एक्सटर्नली एक आर्टरी है, एक वेन है और एक यूरेटर है. आर्टरी को हम बोलेंगे रीनल आर्टरी, वेन इज ए रीनल वेन एंड द पार्ट ऑफ यूरेटर हम देख सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर हम किडनी का देखते हैं तो किडनी के इंटरनली स्ट्रक्चर को दो भाग होते हैं. इसका आउटर इज द कोर्टेक्स एंड मिडल पार्ट इज द मेडुला. रीनल कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है, रीनल मेडुला जो है वो इंटरनली पार्ट है. इसके बीच में ये पिरामिड शेप बनी हुई है जिसको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं. ये रीनल पिरामिड और इसके बाहर जो है ये रीनल कॉलम मेजर एंड माइनर क्लैक्सिस हैं. दिस इज़ ए स्मॉल स्मॉल पार्ट हम देख सकते हैं, मेजर क्लैक्सिस एंड माइनर क्लैक्सिस. मेजर क्लैक्सिस और माइनर क्लैक्सिस जो है ये पिरामिड्स के बिल्कुल साथ साथ आपको येलो कलर से हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इसको. जब भी हमारी किडनी में ब्लड एंटर करता है थ्रू रीनल आर्टरी और जो ब्लड बाहर निकलता है वो रीनल वेन से निकलता है. किडनी का मेन फंक्शन जो है वो फिल्ट्रेशन का भी फंक्शन है. किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है. तो पहले हम इसका पार्ट देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में. देखो इससे बहुत अच्छे से हम क्लियर कर पा रहे हैं. दिस इज़ द रीनल वेन. ये रीनल वेन हमारी किडनी के अंदर एंटर कर रही है. सिमिलर लाइक दैट इसके बिल्कुल साथ एक रीनल आर्टरी है जो किडनी के अंदर एंटर कर रही है और ये डिवाइडेड हो रही हैं स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में. इट कैन डिवाइडेड. तो ये डिवाइड होकर नेक्स्ट जो है ये स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, देन ये कैपिलरीज में डिवाइडेड होती हैं. जब हम इसका पूरा फंक्शन पढ़ेंगे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का तो हमें ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी. फर्स्ट वी कैन सी द आउटर लेयर. ये जो बाहर की लेयर है दिस इज़ द रीनल कॉर्टेक्स. रीनल मेडुला इज़ द मिडल लेयर. इसके बीच में देयर इज़ अ स्पेस वी कैन से द रीनल कॉलम एंड दिस पिरामिड्स इज़ नॉन एज अ रीनल पिरामिड. आई थिंक ये स्ट्रक्चर हमारे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है बिकॉज इस पिक्चर से बहुत ही ईजी यू कैन अंडरस्टैंड. देन वी हैव मूव टू मेजर क्लैक्सिस एंड द माइनर क्लैक्सिस. ये कर्सर में आप देखेंगे दिस इज़ द मेजर क्लैक्सिस एंड मेजर क्लैक्सिस वो डिवाइडेड हो जाती हैं इनटू द माइनर क्लैक्सिस एंड देन दिस इज़ द रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस से ही हमारा यूरेटर जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है. ये जो हम पिरामिड देख रहे हैं पिरामिड में एक आपको स्ट्रक्चर्स अंदर दिख रहे हैं. दिस इज रीनल पैपिला. रीनल पैपिला मैं एक बार दोबारा सारे स्ट्रक्चर्स को रिपीट कर रहे हूँ सो स्टूडेंट्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूइश कलर दिस इज़ ए रीनल आर्टरी. सॉरी ब्लूइश कलर दिस इज़ ए रीनल वेन. नेक्स्ट इज रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी रीनल वेन एंटर कर रही हैं हमारी किडनीज के अंदर एंड इट कैन डिवाइडेड इंटू स्मॉल ब्रांचेज एंड देन इट कैन डिवाइडेड इंटू द कैपिलरीज. आउटर लेयर इज नॉन एज रीनल कॉर्टेक्स. मिडल लेयर इज नॉन एज मिडल पार्ट इज रीनल मेडुला. इन बिटवीन रीनल मेडुला देयर इज ए पिरामिड. पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर रीनल पिरामिड. द स्पेस इज नॉन एज रीनल कॉलम. और अगर हम क्लैक्सिस की तरफ जाते हैं जिनको हम येलो कलर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दैट इज मेजर क्लैक्सिस. देन इट डिवाइडेड इंटू द माइनर क्लैक्सिस. और इसके बीच में जो हमारा स्पेस है वो है रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस के बाहर जो है ये यूरेटर हमारा नीचे की तरफ जा रहा है. यहाँ पे दो मेन स्ट्रक्चर और हैं जिसको हम देख सकते हैं रीनल पैपिला एंड एक्यूरेट रीनल आर्टरीज एंड वेन्स. देन इट इज़ अ रीनल हाइलम. यू कैन सी दिस दिस इज़ अ रीनल हाइलम. क्योंकि किडनी का मेन जो दो फंक्शंस होते हैं एक तो यूरिन की प्रोडक्शन करता है, दूसरा ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, फिल्ट्रेशन का काम करेगा. किडनी फिल्टर का काम करती है. जो हमारा बैड ब्लड है जो हमारा जो ब्लड की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में नहीं जैसे यूरिया कंटेंट ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है. फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन में कन्वर्ट होकर यूरेटर से हमारे बाहर आ जाते हैं. अभी इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे. किडनी कंसिस्ट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन. वन इज़ ए रीनल पैरेन्काइमा एंड सेकेंड इज़ ए रीनल पेल्विस. यहाँ तक आई थिंक इट्स क्लियर. तो हम रीनल पैरेन्काइमा की तरफ चलेंगे. रीनल पैरेन्काइमा जो मैंने आपको पिक्चर से क्लियर किया है दो पार्ट रहेंगे इसके, एक कॉर्टेक्स पार्ट एक मेडुलरी पार्ट.
कॉर्टेक्स जो है वो बाहर का पार्ट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमुलर प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब. ग्लोमुलर क्या रहता है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. नेफ्रॉन के अंदर हम नेफ्रॉन इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर जो कॉर्टेक्स में भी रहेगा और मेडुलरी पार्ट में भी रहेगा. हमारे कॉर्टेक्स में जो हमारा स्ट्रक्चर्स रहेंगे इसके, दैट इज प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कॉर्टिकल कलेक्शन डक, और मेडुलरी जो पार्ट है दैट इज ए कॉनिकल पिरामिड्स. जो हम पिक्चर में देख पा रहे थे जो कॉनिकल पिरामिड्स थे, दैट इज ऑन द मेडुलरी पार्ट एंड द पिरामिड्स आर सिचुएटेड विद द बेस फेसिंग द कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी एंड द अपेक्स फेसिंग टू द हाइलम. दोबारा से मैं वो पिक्चर आपको एक बार दिखाना चाहूँगी सो इट्स क्लियर. ये वी कैन सी दैट दिस इज द पिरामिड, रीनल पिरामिड. ये आगे कनेक्ट हो रहा है हमारे रीनल हाइलस से. तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. बाहर इज कॉर्टेक्स, मिडल पार्ट इज मेडुला, और इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज रीनल पेल्विस. दिस इज रीनल पेल्विस और ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज रीनल पिरामिड्स. अब इंटरनल अंदर के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे. रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस जो है द हाइलम, द इंटरनली हाइलम और द पेल्विस, इट इज़ ए कॉनकेव पोर्शन ऑफ द किडनी थ्रू विच द रीनल आर्टरी एंटर. रीनल वेन भी इसमें एंटर करेगी. द आर्टरी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स एंड इवेंचुअली फॉर्मिंग द ई फ्रंट आर्ट्रियोल्स. अब रीनल पेल्विस में जो हम देख रहे हैं दैट इज़ ए ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन. अब हम देखेंगे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या है. ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन इज दैट कि जितना भी हमारा ब्लड हमारे किडनीज के अंदर गया वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी किडनीज में गया और उसके बाद एक कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरी का मैकेनिज्म हुआ, जैसे हमारे लंग्स में एक मैकेनिज्म होता है वैसे ही किडनी भी सेम फंक्शन करती है. जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, सिमिलर लाइक दैट इन दिस एक्सक्रेटरी सिस्टम कैपिलरी बेल्ट रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगा. ब्लड लीव्स फ्रॉम द ग्लोमुलर ग्लोमुलस थ्रू द ई फ्रंट. देयर इज ए टू, वी कैन सी दैट एक ई फ्रंट और ए फ्रंट. Efferent arterioles and flow back of inferior vena cava through a network and capillaries of the vein. Next picture से बहुत ही अच्छे से मैं इसको clear करूँगी आपको. You can see that हम सबसे पहले ये अपने abdomen के structure को देखते हैं. This is a kidney. Two pairs of kidney हैं हमारी kidneys. ये blue color की हमारा inferior vena cava है और ये हमारी abdominal aorta है जी. एब्डोमल अयोटा की दो ब्रांचेस, राइट और लेफ्ट ब्रांच हमारी किडनीज के अंदर एंटर कर रही है. सिमिलर लाइक दैट इन्फीरियर वीना कावा की भी राइट और लेफ्ट ब्रांच हमारी दोनों किडनी में एंटर कर रही है. राइट ये रीनल आर्टरी एंटर करी, रीनल वेन एंट्री करी, ठीक है. अब ये मूव कर रही हैं स्मॉल स्मॉल ब्रांचेज में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, जिसको हमें बिल्कुल ध्यान से, वी कैन सी दैट कि ये हमारी आर्टरीज और वेन स्मॉल स्मॉल ब्रांचेज में ये डिवाइड करी एंड इट फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमारे साइड पे पूरा ही कोर्टेक्स में ग्लोमुलर फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है. ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन्स पड़े हुए हैं तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज फॉर्म हो जाते हैं और कैपिलरीज का मेन एक्शन जो है ये हमारे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है. अब इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. अयोटा जो था वो हमारी आर्टरीज में डिवाइड हुआ. ये आगे जो हमारा डिवाइड करता है दैट इज़ ए सेगमेंटल आर्टरी. इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इट्स वेरी क्लियर. ये हमारा अयोटा एंटर किया, ये हमारी सेगमेंटल आर्टरीज बनी. सेगमेंटल आर्टरीज जो है ये अंदर एंटर कर रही है इंटरनोबुलर आर्टरीज में. सेगमेंटल आर्टरीज देन इंटरलोबुलर आर्टरीज, सिमिलर लाइक इंटरलोबुलर वेन्स भी होंगी क्योंकि यू नो दैट सब स्टूडेंट्स को पता है आर्टरीज और वेन साथ साथ में ही मूव करती हैं ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को लेके. अब ये डिवाइड होती हैं, ये आगे बनाती हैं दैट इज आर्क्यूरेट आर्टरी, आर्क्यूरेट आर्टरी एंड देन कॉर्टिकल रेडिकल आर्टरी एंड ए फ्रंट आर्ट्रियोल. और ए फ्रंट आर्ट्रियोल जो है ये एंटर करेंगे हमारे ग्लोमुलर कैपिलरीज में. ये स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज दैट इज ए ग्लोमुलर कैपिलरीज.
अब यहाँ से हमारे ई फ्रंट आर्ट्रियोल स्टार्ट होंगे, ए फ्रंट आर्ट्रियोल से ग्लोमुलर फिल्ट्रेशंस होंगे, ग्लोमुलर कैपिलरीज में जाएंगा और ये ई फ्रंट आर्ट्रियोल से हमारा जो ब्लड है ये प्यूरिफाई होके ये पर्टिट्यूबुलर कैपिलरीज में होते हुए ये हमारे कोर्टिकल रेडिकल्स में आएगा, ये वेंस कोर्टिकल रेडिकल्स वेंस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एंड दिस पार्ट पे आप इजीली यू कैन सी दिस इज़ द ब्लूश और रेडिश कलर की आपको आर्टरीज और वेन की स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज दिख रही हैं। कॉर्टिकल रेडिकल वेन से होता हुआ ये फिर आर्क्यूटेट वेन, कॉर्टिकल रेडिकल वेन से होता हुआ ये आर्क्यूटेट वेन में आएगा, इंटरलोबुलर वेन में आएगा, फिर रीनल वेन्स में और फिर यहाँ से रीनल वेन से मूव करता हुआ फिर ये इन्फीरियर वीना कावा में चला जाएगा, इन्फीरियर वीना कावा से ये तुम्हारे हमारे हार्ट में चला जाता है। तो मेन जो किडनी का फंक्शन है दैट इज़ फिल्ट्रेशन का फंक्शन है, किडनी किस अच्छे से कितने अच्छे से फिल्ट्रेशन कर रही हैं शायद ये हमारे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है। पहले आर्टरी से ब्लड गया, ये हमारे स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में चेंजेस हुआ, चेंजेस होने के बाद स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में चेंजेस हुआ। दिस ऑल आर्टरीज के नेम आपको एक बार पढ़ने हैं और लर्न करने हैं कौन कौन सी आर्टरीज, सो यू कैन आइडेंटिफाई विच आर्टरीज और यू कैन आइडेंटिफाई द आर्टरीज एंड इसके बाद कैपिलरी मैकेनिज्म से वेंस में चेंजेस हुआ, वेन से ये होता हुआ हमारा जो फिल्टर्ड ब्लड है वो इन्फीरियर वीना कावा से फिर हमारे हार्ट में अंदर चला गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे नेफ्रोन्स, नेफ्रोन्स जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे नेफ्रोन्स, नेफ्रोन्स जो है ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रोन्स, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रोन जो हैं होते हैं, दैट इज़ अ फंक्शनल यूनिट, मेन फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज अ नेफ्रोन। ईच किडनी इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रीनल फंक्शन इफ ऑपोजिट किडनी इज डैमेज। आई टोल्ड यू हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट किडनी, अगर दोनों में से एक किडनी भी हमारी डैमेज हो जाती है तो दूसरी किडनी उसको रिप्लेस कर लेती है, उसका फंक्शन करना शुरू कर देती है, अपने फंक्शन को बढ़ा सकती है बिकॉज ऑफ नेफ्रोन्स की वजह से, क्योंकि 1 मिलियन नेफ्रोन हमारी एक किडनी के अंदर होते हैं। वैसे हमें दोनों ही किडनी चाहिए होती है, अगर हमारी किडनी फेल हो जाती है तो पेशेंट कैन कोलैप्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। नेफ्रोन्स जो हैं नेफ्रोन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमुलस कंटेन ए फ्रंट एंड ई फ्रंट आर्ट्रियोल्स, जो हमने लास्ट पिक्चर में देखा ए फ्रंट आर्ट्रियोल जा रहे हैं और ई फ्रंट जो नेफ्रोन्स हैं दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोमुलर, ग्लोमुलस कंटेन ए फ्रंट ई फ्रंट कैप्सूल्स आर्ट्रियोल्स बोमेन कैप्सूल। अब इसके लिए मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा नेफ्रोन का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे हम नेफ्रोन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस इज़ नोन एज नेफ्रोन का ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम देखेंगे। नेफ्रोन का स्ट्रक्चर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो नेफ्रोन को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ग्लोमुलस, स्मॉल स्मॉल जो अंदर दिख रहे हैं दैट इज़ ए ग्लोमुलस, इसके बाहर एक लेयर होती है दैट इज़ बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर जो है वो ग्लोमुलस रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो ट्यूब्यूल्स आते हैं, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आपको ब्राउनिश कलर में देख रहा है दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेकेंड इज़ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये दोनों ही ट्यूब्यूल्स हमारे गैसेस एक्सचेंज करने में, गैसेस का एक्सचेंज होता है, इनकी मेम्ब्रेन्स जो होती है दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो गैसेस जो है यहाँ से हमारे मिनरल्स हम बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस होता है वो ये ट्यूब्यूल्स ही करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हैं पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज, ये कैपिलरीज आपको दिख रही है पेरिट्यूब्यूल कैपिलरी और यहाँ पे एक लूप बनता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब के बीच में एक लूप बनेगा इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हैनल और ये हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल जो है ये जाएगा हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। दिस इज़ ए वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रोन और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर,
नेफ्रॉन्स का है, किस तरह से हमारी बॉडी में ये एल्कलॉइड्स जो हैं सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेफ्रॉन फिर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। वन इज कॉर्टिकल पार्ट, जो हमारे कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में पड़ा है बाहर वाले पार्ट में, और सेकेंड इज जेक्स्ट्रा मेडुलरी, जो कॉर्टेक्स और मेडुलरी के बीच में पड़ा हुआ है, उसको हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी बोलेंगे। कॉर्टिकल फाउंड एट द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एंड जेक्स्ट्रा मेडुलरी सिट एडजेसेंट टू द मेडुला, मेडुलरी पार्ट के बिल्कुल पास में पड़ा होता है। किडनीज द ग्लोमुलर मेम्ब्रेन नॉर्मली अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड स्मॉल मॉलिक्यूलर येट लिमिट पासिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर। किडनी फंक्शंस टू डिक्रीज एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1%। जैसी हमारी एज बढ़ती है, 30 ईयर्स की एज के बाद हमारे जो किडनी का फंक्शन होता है वो धीरे धीरे अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगता है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं हमारी स्ट्रक्चर वाइज किडनी का, तो राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली डाउनवर्ड रहती है एज़ कम्पेयर टू हमारी लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर हमारा लीवर रहता है और थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी वो हमारी किडनी। द ग्लोमुलस जो है ये हमारे, दैट इज इसकी बाहर जो फिल्ट्रेशन लेयर्स बनी होती है, दैट इज थ्री लेयर्स हैं। फर्स्ट इज कैपिलरी एंडोथीलियम, सेकेंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड इज एपिथीलियम। दीज आर द थ्री लेयर्स जो हमारे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के पास होती हैं। एंड अब मैं इसको एक और आपको डाइसेक्टेड वे दिखा रही हूँ स्लाइड में, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको हम देखेंगे, दिस इज़ द हमारे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फेनल्स। अगर हम इसके इंटरनली स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं तो हम ये सब चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। दैट इज़ कैप्सूल स्पेस, ये रीनल कैप्सूल है, ये जेक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपरेटस है नीचे का पार्ट। अब इसको हम डाइसेक्ट करके अंदर देखेंगे तो ये हम ल्यूमन ऑफ ग्लोमुलर कैप्सूल्स, ये ल्यूमन्स हमें दिखेंगे, एंडोथीलियन सेल ऑफ ग्लोमुलर कैपिलरीज दिखेंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ सेल दिखेंगे, और बीच में जो रेड कलर के सेल्स दिख रहे हैं दैट इज़ RBCs, रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं। आई थिंक ये स्ट्रक्चर वाइज आप सबको क्लियर हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो ये मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे कॉल कर सकता है, ये मैसेज डाल सकता है, अदरवाइज आप फेसबुक पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी, द मेन फंक्शन इज़ द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे रहेगा, जब हमारे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी ने अब्सॉर्ब किया है थ्रू जो हमारे ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है वो यूरिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आएगा, मेजर कैलिक्स से ये हमारे यूरेटर में एंटर करेगा और यूरिनरी ब्लैडर से हमारे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो किडनी का एक मेजर फंक्शन है दैट इज़ द यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंड फंक्शन इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे ब्लड के अंदर, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये जो भी हम खाते हैं वो हमारे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, हमारे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वेस्ट हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो एक्सक्रीट हो जाएगी। थर्ड फंक्शन इज़ अ रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस जो हमारे नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले हैं या प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, उसमें सोडियम पोटेशियम का बैलेंस हो जाएगा, तो एसिड बेस बैलेंस को हमारे मेंटेन करती है किडनी। कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करेगी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी रीनल, और रीनल क्लियरेंस करेगा। रेगुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी टू एक्टिवेट एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे ही फंक्शन जो है हमारी किडनी करती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज़ अ यूरेटर। पिक्चर में आप देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नीचे आ रहे हैं, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर यूरिन विच इज़ फॉर्म्ड विद इन द नेफ्रॉन्स फ्लो इन टू द यूरेटर, और ये यूरेटर जो है दैट इज़ अ लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स हैं ये,
और ईच किडनी को ये ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी और ब्लैडर को हमारे, यहाँ से हम कर्सर से देख सकते हैं, किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम यूरेटर बोलेंगे। जो यूरेटर की लेंथ है दैट इज़ 24-30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके लोअर पोर्शन ऑफ द रीनल पेल्विस से ये टर्मिनेट होगा, लोअर पोर्शन ऑफ द रीनल पेल्विस से टर्मिनेट होगा जो आके हमारे ब्लैडर में अटैच हो जाएगा। यूरेटर आर थ्री पार्ट्स में यूरेटर को डिवाइड किया जाता है। देयर इज अ थ्री नैरोइंग, इसके बीच में थ्री नैरोइंग स्पेसेस आते हैं जो हमारे यूरिन के बैक फ्लो को रोकते हैं। फर्स्ट इज यूट्रो पेल्विक जंक्शन, सेकेंड इज यूट्रल सेगमेंट, थर्ड इज यूट्रल वेसिकल जंक्शन। तो यूट्रो वेसिकल जंक्शन जो है दैट इज ऑन द प्राइमरी एंटीग्रेड। यूट्रो वेसिकुलर जंक्शन जो है ये हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा जब यूरिन अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यूरिन रिफ्लेक्स ना करे, तो इसके लिए हमारा वेसिको यूट्राइन रिफ्लक्स जो है वो रुकता है। ये नैरोइंग स्पेस होता है जिससे यूरिन जो है वो ब्लैडर की तरफ मूव करता है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब हम यूरिन पास करते हैं, हम एक फ्लो होता है जैसे कि फील होता है कि वी हैव टू पास द यूरिन, तो इसके जब हम किसी भी पर्सन को फील होता है कि हमें यूरिन पास करना है, एट दैट टाइम ये इंटरवेसिकल प्रेशर जो है इसके बीच में इंक्रीज हो जाता है और यूट्रोवेसिकुलर जंक्शन क्लोज हो जाता है जिससे यूरिन जो है वो डायरेक्ट पास होना शुरू कर देता है। और अगर हम देखेंगे जैसे हमने किडनी में डिफरेंशिएट देखा, वैसे ही यूरेटर में भी लेफ्ट यूरेटर इज स्लाइटली शॉर्टर देन राइट। हमारा लेफ्ट यूरेटर जो है थोड़ा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू राइट यूरेटर के कंपैरिजन में। अब यूरेटर के इंटरनली लाइनिंग्स में हम देखेंगे, देयर इज द लाइनिंग ऑफ द यूरेटर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल सेल, एपिथीलियम सेल्स, यूरोथीलियम। एपिथीलियल सेल जो यूरेटर के अंदर रहेंगे उनको यूरेटर, यूरोथीलियम बोलते हैं हम। यूरो फ्रॉम द यूरेटर एंड एपिथीलियल सेल्स का थीलियम आ गया। एज इन द ब्लैडर यूरोथीलियम प्रिवेंट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द यूरिन। जब ये ब्लैडर में यूरोथीलियम सेल्स रहेंगे तो ये हमारे रीअब्सॉर्प्शन करेंगे यूरिन का। द मूवमेंट ऑफ द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस थ्रू द यूरेटर इनटू द ब्लैडर इज़ फैसिलिटेटेड बाय द पैरास्टेटिक वेव्स। जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में पैरास्टेटिक मूवमेंट्स होती है, सिमिलर लाइक दैट इसी में भी पैरास्टेटिक वेव्स रहेंगी जो 1-5 टाइम पर मिनट मूव करेंगी फ्रॉम कलेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द यूरेटर वॉल। यूरेटर वॉल के आसपास हमारी स्मूथ मसल्स रहेंगी जो पैरास्टेटिक मूवमेंट्स करेंगी और यूरिन जो है पास होना शुरू हो जाएगा। यूरेटर फंक्शन एज अ ट्यूब्स एंड एक्टिवेट कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। मेन फंक्शन यूरेटर का यही है। अब हम देखेंगे ब्लैडर, यूरेटर से नेक्स्ट इज ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर इज ए मस्कुलर होलो सैक लोकेटेड बिहाइंड द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन हमारे फ्रंट में लाई करती है, इसके पीछे ही ब्लैडर लाई करता है। ब्लैडर जो है ये होलो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें जो वेसिकल्स होती हैं देर इज़ ए टू इंटरलेट एंड आउटलेट। इनलेट से यूरिन अंदर आएगा और आउटलेट से यूरिन हमारा बाहर जाएगा। वी सराउंडेड बाय द ब्लैडर नेक। ब्लैडर की कैपेसिटी जो है ये 300-600 ml रहती है। इन्फेंट्स में ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती है, जैसे जैसे हमारे एडोलेसेंस बढ़ता है ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ती जाती है क्योंकि इसकी मसल्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है। हमें जब लगता है कि वी हैव टू पास द यूरिन, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। हम यूरिन को इसीलिए होल्ड कर पाते हैं क्योंकि हमारी ब्लैडर की मसल जो है वो स्ट्रेच कर जाती हैं और वो यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। जो यूरोथीलियम लेयर है इट इज़ स्पेशलाइज्ड ट्रांजिट सेल एपिथीलियल लेयर है कनेक्टिंग मेम्ब्रेन विद द इम्प्रेमेबल वाटर। और ब्लैडर के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, तो ब्लैडर का नेक जो है कंटेन बंडल ऑफ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स दैट फॉर्म द पोर्शन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स नोन एज ए इंटरनल स्फिंक्टर्स। जहाँ पे यूरेटर जो है हमारे इसके साथ आके मिल रहा है द नेक ऑफ द ब्लैडर पे, वहाँ की जो हमारी मसल्स रहती हैं दैट इज़ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स रहती हैं।
or the portion of the sphincter's mechanism that is under voluntary control, और जो sphincter's muscles रहती हैं, sphincter mechanism जो हैं वो हमारा voluntary control में है, external urinary sphincter हमारे control में है, जब हम चाहते हैं कि हमने urine pass करना है, जब हम signals देते हैं अपने brain को कि हमें urine pass करना है तो urine pass करते हैं, otherwise अगर आप hold करना चाहते हो तो urine को आप hold कर सकते हो for a few time के लिए, कुछ minutes के लिए हम urine को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारी वॉलंटरी फंक्शंस में, वो हमारे कंट्रोल में है. द यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन एज ए मस्कुलर सैक एंड एक्सपेंडेड यूरिन टू प्रोड्यूस बाय द किडनी एंड दैट इज ए स्टोर ऑफ यूरिन. ब्लैडर का मेन काम क्या है, ये स्टोर करता है हमारे यूरिन को और कन्वे करेगा यूरिन को यूरिथ्रा में. हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पढ़ा था यूरिथ्रा. यूरिथ्रा जो है मेल में थ्रू पेनिस के द्वारा आता है, जो हमारा यूरिन है मेल में थ्रू पेनिस के बीच में यूरिथ्रा रहता है उसके द्वारा बाहर आएगा, और फीमेल में एक अलग ओपनिंग रहती है जस्ट अबव द वेजाइना से जस्ट अबव रहती है ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग. मेल्स में यूरिथ्रा इज लॉन्ग साइज, फीमेल में यूरिथ्रा का साइज बहुत कम रहता है, दैट इज 3-4 सेंटीमीटर लॉन्गर इन फीमेल्स एंड 20 सेंटीमीटर इज लॉन्गर इन मेल्स. इसलिए फीमेल को चांसेस जो हैं यूटीआई के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगर हम कहीं भी इन्फेक्टेड एरिया में यूरिन पास करते हैं, यूरिथ्रा का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो फीमेल में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स में. अगर हम यूरिथ्रा को थोड़ा सा देखेंगे तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखा था जस्ट अबव द वेजाइनल रहता है, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं यूरिथ्रा में ज़्यादा रहते हैं. आज के इस क्लास में हम स्ट्रक्चर्स और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही पढ़ पाए हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स ऑफ किडनी के कौन कौन से हम फंक्शंस, कौन कौन से डिजीजेस किडनी में हो सकती हैं, कौन कौन से हम इन्वेस्टिगेशन हमें करवाना चाहिए, KFT क्या है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्रिएटिनिन यूरिया यूरिक एसिड की वैल्यूज़ को कैसे चेक कर सकते हैं, क्रॉनिक रीनल डैमेज और एक्यूट रीनल डैमेज हमारी कैसे होती हैं, USG की रिपोर्ट्स, ये मैं नेक्स्ट क्लास में हम इसको पोस्टपोन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.